हेलो स्टूडेंट, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट टू में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट वन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, साथ साथ हमने देखा कि ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक मॉलिकुलर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। कैसे इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं तो वो अपने मॉलिकुलर वाइब्रेशन लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, और किस तरीके के मतलब वो वाइब्रेशन से दिखाते हैं, ये पार्ट वन में आपने लोगों ने देखा। इसको थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन को और आगे एलोंगेट करते हुए इस बार हम लोग देखेंगे कि कितने वाइब्रेशंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है चाहे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो फिनोमिना दिखाता है मॉलिक्यूल, उसको हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या फिर मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो तीन तरीके के इंसिडेंस को दिखाता है बच्चों, जिसको कि हम लोग उसके लिए ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं जब भी हम एनर्जी को, मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब करता है, वो इस तरीके से तीन फिनोमिना को देखने को मिलती हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर देखा जाए, तीनों चीज़ों को जोड़ा जाए, तो इन तीनों चीज़ों का जो सम होता है वो होता है उस मॉलिक्यूल्स की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर, ठीक है। अब ये नया टर्म क्या आ गया जी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया कोई भी मॉलिक्यूल या फॉर एग्जांपल कोई भी एटम, जो भी फ्री स्टेट में एटम है, वो एटम एनर्जी लेने के बाद क्या कर सकता है, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब उसको मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मेरा एक एटम यहाँ पे है, मैंने इसको एनर्जी दी, तो ये क्या कर सकता है, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है। और कितनी पॉसिबल डायरेक्शंस होती है, तीन होती है। तीन कौन कौन सी होती हैं जी, एक्स, वाई और जेड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तीनों पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं, ये थ्री पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। अगर ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम है, तो ये तीन मॉलिक्यूलर तीन डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है। अगर ये दो है तो दो के लिए तीन डायरेक्शन, मतलब टोटल छः पॉसिबल चांसेज हैं इनके इधर से उधर जाने के, जिसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर ये n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो इनके कितने डायरेक्शंस में जाने के चांसेस है, डायरेक्शन तो तीन ही है, मगर n मॉलिक्यूल्स में से ऐसा हो सकता है कि पहला तो x में गया, दूसरा y में गया, तीसरा z में गया, या दो x में चले गए, एक y में चले गए। इसका मतलब आप उसको कहेंगे 3n। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n एटम्स के लिए क्या होगी, 3n होगी बच्चों। ये बात आप लोगों को यहां से देख लेनी है। इसके अलावा ये जो 3n है, मैंने आपको बोला ये ट्रांजिशन प्लस वाइब्रेशन प्लस रोटेशन के बराबर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, मतलब यहां पे थ्री पॉसिबल वेज हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिट होने के। तो ट्रांजिशन जो एनर्जी लेवल होता है उसमें थ्री पॉसिबल चांसेस हैं उसके एक्साइट होने के। वाइब्रेशन तो मुझे निकालना है, और रोटेशन जो है, ये रोटेशन देखिए दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके के केसेस देखने को मिल सकते हैं। एक हो सकता है लीनियर मॉलिक्यूल का केस, और एक हो सकता है नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का क्या अंतर है, लीनियर मॉलिक्यूल जिसके दोनों के दोनों एटम जो है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों एटम सेम प्लेन में है, तो उसको क्या कहूंगा, लीनियर कहूंगा। अब कोई चीज लीनियर है, वो जिस भी प्लेन या जिस भी एक्सेस के अराउंड पड़े हुए हैं, उस के अराउंड तो वो रोटेट नहीं कर सकते जी, वो दूसरे जो बचे हुए दो प्लेन हैं उनके अराउंड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, मतलब इसका रोटेशनल लेवल जो हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं। पर अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो किसी भी प्लेन में नहीं है, इसका मतलब वो तीनों प्लेन के अराउंड अलॉन्ग क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पे रोटेशन तीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर जो ये फॉर्मूला है, ये 3n इज इक्वल्स टू 3 प्लस वी प्लस 3, या फिर 3n इज इक्वल्स टू 3 प्लस वी प्लस 2, दोनों केसेस के लिए, नॉन लीनियर के लिए और ये
लीनियर के लिए दो तरीके के केस हो सकते हैं। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3n इजिकल्स टू 6 प्लस वी, या फिर यहां से लेके जाएंगे तो v इजिकल्स टू 3n माइनस 6, एक तो हो गया ये। और इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो 3n इजिकल्स टू 5 प्लस वी, या फिर यहां से अगर लेके जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा यहां पे v इजिकल्स टू 3n माइनस 5। ये है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन का मतलब हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है उसमें टोटल कितने तरीके के वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे, मतलब स्ट्रेचिंग भी और बेंडिंग भी, इतने तरीके के। अगर वो लीनियर है तो लीनियर वाले के केस में 3n लीनियर है तो उसमें 3n माइनस 5 टाइप के फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस दिखेंगे, और नॉन लीनियर है तो 3n माइनस 6 मिलेंगे। मान लेते हैं उसमें केवल 3 एटम है, कितने एटम है, 3 एटम है, और वो एक क्या है, नॉन लीनियर है, तो उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 3 × 3 − 6 मतलब 3। इसमें केवल हमारे को 3 वाइब्रेशंस दिखेंगे, जबकि अगर मान लेते हैं वो नॉन लीनियर है और 3 एटम्स है उसमें, तो v इजिकल्स टू 3 × 3 9 − 5 इजिकल्स टू 4। तो एक 3 एटमिक मॉलिक्यूल के अंदर 4 से लेकर के 3 तक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस देखने को मिल सकते हैं, जिस भी तरीके का वो मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, तो ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि जाननी थी, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन फॉर लीनियर मॉलिक्यूल एंड फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तो हो गया 3n माइनस 5, और नॉन लीनियर के लिए 3n माइनस 6। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जी एक बात ही याद रख लेते हैं, अब आपको क्या है कि आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगी। कोई पूछेगा जी कितनी मिलेगी, जी इतनी इतनी मिलेंगी। अब अगला क्वेश्चन वो क्या करेगा, अच्छा मिलेगी तो ठीक, पर कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी का मतलब आपको बताया गया है कि आपको 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर इसकी वाइब्रेशंस देखने को मिलती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पोजिशन ऑफ पीक्स। अब कहाँ पे इसकी वाइब्रेशंस देखने को मिलेगी, ये बेसिकली एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ओके, अब आप लोगों को, हम लोगों को समझना ये है कि पीक मिलेगी क्यों। पीक तब मिलेगी जब हम उसको लाइट देंगे, और लाइट देंगे तो वो उसको जब एब्जॉर्व करेगा। कहने का मतलब है कि जितनी भी लाइट हम उसको देंगे, जरूरी नहीं कि वो उसको एब्जॉर्व करे, पर जिस भी लाइट को वो अपने लिए एब्जॉर्व करने लायक समझेगा उसको वो एब्जॉर्व कर देगा, और जब वो एब्जॉर्व करेगा वही चीज़ हमें एज ए पीक रिकॉर्ड हो जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब ये देखना है कि किस लाइट को वो अपने को एब्जॉर्व करने के लिए उचित समझेगा, तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको उचित या अनुचित समझेगा। ठीक है ना, तो आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि पोजीशन ऑफ पीक जनरेट कैसे होती है। तो देखिए, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका डाइपोल, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, वो डाइपोल कर रहा है, और डाइपोल क्या है, मैंने आप लोगों को बोला दो एटम और उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दो एटम और उनके बीच की डिस्टेंस है। अगर आपका दोनों एटम अलग अलग हैं और डिस्टेंस सेम है तब भी उनका पीक अलग अलग आ सकती है, क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ या वेव नंबर या एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे आपको उस डाइपोल का फॉर्मेट या फिर उसका स्वरूप समझना जरूरी है। आप लोगों को इसके लिए क्लासिकल मॉडल बताया गया था, आप लोगों को बताया गया था एक डाइपोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे दो पोल एक शॉर्ट डिस्टेंस में क्या है, लोकेटेड है। ठीक है जी, और इसके बीच में क्या है, जो ये शॉर्ट डिस्टेंस है ये एक स्ट्रेचेबल डिस्टेंस है, मतलब ये एक तरीके की स्प्रिंग है जिसे खींचा या पिचकाया जा सकता है या खींचा जा सकता है। ठीक है जी, अब आप आगे देखें
कि जब भी हम एनर्जी देंगे तो वो इसको खींचने में या बेंड करने में लगेगी, दोनों में से किसी एक काम में करेगी। मान लेते हैं हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम इनको स्ट्रेच करना चाहेंगे, आप देखिए जब हम इसको स्ट्रेच करना चाहेंगे तो स्ट्रेच करने का मतलब हम इसको एक दूसरे से दूर ले जाना चाहेंगे ना, किस किस को, प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक दूसरे से दूर ले जाना चाहेंगे। अब मान लेते हैं ये स्प्रिंग तो दूर जाने के लिए तैयार है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी इन दोनों की आपस में क्या है, एक दूसरे से एफिनिटी है, क्या है एक दूसरे से, अट्रैक्शन है। तो इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये चार्जेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं, तो चार्जेस को दूर करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, ज़्यादा लगेगी। और मान लेते हैं चार्ज बहुत हल्के हल्के हैं, तो इनको दूर करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, कम कम लगेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ जो निकल करके आएगी वो आएगी इन दोनों चार्जेस की का एम्पलीट्यूड, या उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में वो चार्ज लग रहा है, क्योंकि ये दोनों के चार्ज जो हैं वो अट्रैक्टिव चार्ज है, इसमें रिपल्सिव कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है कि डिस्टेंस। अब आप सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डाइपोल सिस्टम ये है, एक डाइपोल सिस्टम ये है, और एक डाइपोल सिस्टम ये है। इन दोनों तीनों डाइपोल सिस्टम्स के अंदर मान लेते हैं क्यू की वैल्यू तो उतनी ही है जितनी माइनस क्यू और प्लस क्यू थी, मगर ये डिस्टेंस जो है अलग अलग हो जाती है। किसी केस में तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, किसी में ठीक ठाक डिस्टेंस में, और किसी में बहुत दूर चले जाते हैं। अब आप देखिए कि दूर जाने और पास आने में ये अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम और ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा और कम होगी, जब ये बहुत दूर चले जाएंगे एक डिस्टेंस के बाद, तो तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। अरे फॉर एग्जाम्पल, दो चुंबक्स को हम अगर एक बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और बहुत दूर ले जा लेंगे तो क्या पता वो अट्रैक्शन उस पर खत्म ही हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये लंबाई जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो डायपोल मोमेंट जो होता है म्यू इजिकल टू क्यू इंटू डी आपको पढ़ाया गया है। जितना इंपॉर्टेंट क्यू की वैल्यू है उतना इंपॉर्टेंट डिस्टेंस की वैल्यू भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इससे डायपोल मोमेंट बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को जितना नज़दीक, जितना अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उनको दूर करने के लिए, उनमें स्ट्रेचिंग करने के लिए, उनको वाइब्रेट कराने के लिए। तो जहां पे ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है वहां पे ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और जहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम है वहां पे ये कम लगानी पड़ेगी। तो ये तो हो गया मोटा मोटा थ्योरेटिकल सा डिस्कशन कि कहाँ पे ज्यादा वेव नंबर आएगा और कहाँ पे कम वेव नंबर आएगा, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसको अगर और ज्यादा डिटेल या फिर एक फिक्स वैल्यू के रूप में आप पढ़ना चाहें, तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, पहले कभी हम ऑक्सीलेटरी मोशन में पढ़ते थे, जहाँ हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ते थे, वहाँ पे हम देखते थे कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचेंगे, मतलब वी विल अप्लाई अ फोर्स टू स्ट्रेच इट, एक ऑटोमेटिक फोर्स जनरेट होगा जो कि अप्लाई होगा सेंटर की तरफ, मतलब जहाँ की तरफ उसे खींचा जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट एट फोर्स जो होगा उसमें अपने आप पैदा हो जाएगा, जिसको हुक्स लॉ के हिसाब से हम लोग पढ़ते थे। तो वही हुक्स लॉ के हिसाब से उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, किसके लिए जो वेव नंबर की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट की है वो इस एक्सप्रेशन से दिखाई जाती है, वी बार इजिकल्स टू 1/2 πc अंडर रूट के अपॉन म्यू। तो ये इसका एक बहुत मास्टर फॉर्मूला है, जिसको कि आपने डेफिनेटली याद रखना ही रखना है, और इसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे वी बार वेव नंबर के लिए है, मतलब जो पीक जनरेट हो रही है वो किस वेव नंबर पे जनरेट हो रही है उसके लिए ये बात आई हुई है। 2 πc एक कांस्टेंट है बच्चों, जिसको कि आप एज ए कांस्टेंट समझेंगे, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी कैलकुलेट करके आ सकती है, प्रोबेबली इट इज़ 4.1 के नज़दीक कुछ वैल्यू है, ठीक है। और इसके अलावा दो चीज़ें जो इसमें बच रही हैं, ये दो चीज़ें ये है बच्चों, फोर्स कांस्टेंट, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसे फोर्स कांस्टेंट का नाम दिया था, जिसका नाम मैं अभी आपको बता रहा था, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा। और म्यू जो है ये एक रिड्यूस्ड मास है, ये क्या है, एक रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास जो है ये बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है इन दोनों मास के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। इसको म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 upon m1 plus m2 से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है हमारा क्या, रिड्यूस्ड मास का एक्सप्रेशन।
एज ए होल अब हमारा जो ये पीक की पोजीशन है, ये पीक की पोजीशन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो उनके मास पे और एक उस रीस्टोरिंग फोर्स पे जो कि उनको दूर करते समय उसमें लग रहा है, ठीक है ना। अब दोनों के ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये मैंने आप लोगों को अगेन बताया कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या, एक तो उनकी डिस्टेंस और एक उनका चार्ज, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस और चार्ज का क्या है, फंक्शन है। डिस्टेंस को तो डिस्टेंस ही बोलेंगे, चार्ज को अगर आप लोग मॉडिफाई करना चाहें तो वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हायर द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज एंड हायर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस के एंड हायर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वी बार। तो आप समझ लीजिए कि ये जो इसका वेव नंबर है ये तब ज़्यादा होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी और डिस्टेंस भी कम होगी। जब डिस्टेंस कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और इस रिड्यूस मास की वैल्यू कम होगी, तब जा करके ये वेव नंबर जो है अलग अलग होगा, मतलब ज़्यादा होगा। अब देखिए इस चीज़ को अगर हम फिक्स करना चाहें, पहले तो इस फॉर्मूले को लिख ही देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। हर बार हालांकि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे मगर आपको पता चलना चाहिए कि ये आया कहाँ से। तो वी बार इज इक्वल्स टू 1/2πc अंडर रूट के अपॉन म्यू, ये तो आपने याद रख लिया, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। पर अब इसमें ये जो के है ये कॉन्स्टेंट जरूर है मगर ये कॉन्स्टेंट हर केस में एक एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड ओ, इसी तरीके से सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो इनकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, मतलब डबल बॉन्ड की डिस्टेंस लगेगी। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस अलग अलग हो गई। हालांकि रिड्यूस्ड मास की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, एम वन एम टू सेम था, मगर के की वैल्यू जो है इन दोनों के कारण अलग अलग हो गई बच्चों। अब ये के की वैल्यू अलग अलग तो हो गई तो उसके कारण वी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब एक अलग वी बार में दिखाई देगा और एक अलग वी बार में दिखाई देगा, ये बात भी आप लोग समझ सकते हैं। अब कौन ज़्यादा और कौन कम होगा इस बात को भी आप समझ सकते हैं। जहाँ का फोर्स कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेव नंबर पे दिखाई देगा, जहाँ पे कम होगा वो कम पे दिखाई देगा। तो ये वैल्यू फोर्स कॉन्स्टेंट पे अब जा करके टिकेगी। फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हालांकि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती मगर फिर भी सी डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू 5×10^5, एक टेंटेटिव वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे लिख दी। आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ आपको याद करनी होगी वो मैं स्पेशली बताऊंगा, ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, मगर इनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटे साइज का डिस्टेंस का होता है, ये थोड़ी बढ़ गई है साइज, ये फिर डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट यहाँ जरा ज़्यादा था या उससे कम था या बहुत कम था। तो जब फोर्स कांस्टेंट कम 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 होता जाएगा तो के की वैल्यू वी की वैल्यू को अफेक्ट करेगी और यहाँ पे वी बार की जो वैल्यू है ये कम 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 होती जाएगी। तो ये सबसे हायर पीक में दिखाई देगा और ये सबसे लोएस्ट पीक में दिखाई देगा इन तीनों की कंपेरिजन में। तो इस तरीके से एक टेंटेटिव आइडिया आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा। हालांकि अगर मैं आपको के की वैल्यू बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको के की वैल्यू गिवन हो जाए तो आप म्यू बार तो निकाल ये रिड्यूस्ड मास तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि एम वन और एम टू तो उनके मॉलिक्यूलर वेट है या एटॉमिक वेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी डबल बॉन्ड ओ का निकालना चाह रहा हूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ के लिए रिड्यूस्ड मास जो हो जाएगा एम वन एम टू मतलब 12 16/12+16। इसको कैलकुलेट करके जो भी आपकी इसकी वैल्यू आएगी ये तो नीचे लगा देंगे और के की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये भी वैल्यूज कांस्टेंट है, आपको ये वेव नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आपको ड्राइव करना है, इस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ये बातें मैंने आपको मोटी मोटी हिंट दी। इसके बाद आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन है, उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग वेव नंबर।
वेव नंबर कहें या फिर पोजीशन ऑफ पीक्स कहें, पीक्स बन जाती है। ये बात तो आपको इस पॉइंट में डिस्कस हो गया। अब जो बनी हुई पीके हैं वो अलग अलग केसेस में अलग अलग होती हैं। ये भी एक बहुत टेक्निकल टर्म है, ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो कि मैं आपको एडवाइस करूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अदरवाइज ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक बार में ग्रैप्स ना हो, इसलिए आपको रिपीट कर करके दो दो तीन तीन बार देखना पड़ेगा। और क्वेश्चंस जो है बेसिकली इस इलाके से आते हैं क्योंकि एक टेक्निकल डिस्कशन है। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेव नंबर या पोजिशन ऑफ पीक्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, मतलब आप एक बार अगर आपको मान लो मैंने कोई पीक बोल भी दी, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की पीक है वो आपको 1750 में या 1745 में आती है, ये मैंने आपको बोल भी दी, तो हर बार आप एल्डिहाइड के लिए 1745 सेंटीमीटर इनवर्स को एज ए स्ट्रेचिंग पीक कैलकुलेट करो काउंट करोगे, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत वेक सी बात है। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग पीक है का एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में या फिर एसिड में एस्टर में, ये अलग अलग हो सकती है और ये कितनी दूर या कितनी पास जा सकती है ये गवर्न करते हैं कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इस केस में पीक पुराने वाली से ज़्यादा आएगी या कम आएगी या फिर कितनी आएगी। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, इसके लिए जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, 5 या 6 फैक्टर इसमें डिस्कस होंगे हमारे। पहला फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये टर्म आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल पहले से क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एज ए ब्रिज काम करता है जो कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसका एक एग्जांपल आप मान सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ था, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ था, और ये इसका OH और ये इसका OH और इनके बीच में ये इंटरेक्शन जो है इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बच्चों हम लोग जानते हैं इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर दो तरीके की होती है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में आपस में ही हो जाए या फिर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाए। जो मैंने एग्जांपल दिखाया वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल है। अब आप इस वाले एग्जाम्पल में देखें और समझें कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पीक को डिस्टर्ब करती है। मान लेते हैं हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे जनरली पड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसमें जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी थी उतनी ही इसकी भी थी, जितनी डिस्टेंस बच्चों इसकी थी उतनी ही डिस्टेंस इसकी भी थी। तो मेरे लिए जो म्यू की वैल्यू, वी बार की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वेव नंबर की वैल्यू निकलनी चाहिए थी, वो यहाँ भी उतनी निकलनी चाहिए थी और यहाँ पे भी उतनी निकलनी चाहिए थी। मगर देखिए इसमें क्या है, इसमें तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से बच्चों क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इसकी विसिनिटी में तो है, इसके कांटेक्ट में तो है, मगर एक बाहर का ऑक्सीजन भी इससे कांटेक्ट बनाने में लगा हुआ है। तो जब ये ऑक्सीजन इससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगा तो ये हाइड्रोजन इसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा। जब ये इसकी तरफ थोड़ा सा बच्चों इंक्लाइंड हो जाएगा तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज। और जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो आपस में इनका इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कम इंटरेक्ट करेंगे, इतना अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं रह जाएगा। उस कंडीशन में जब भी इस बॉन्ड को एनर्जी दी जाएगी ये कम एनर्जी में ही वाइब्रेशन शुरू कर देगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जबकि ये यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे तो जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस है। तो आप एक बात जो यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से डिस्टेंस बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगा और उसके कारण लोअर फ्रिक्वेंसी या वेव नंबर में हमारे को इसकी पीक ऑब्जर्व होगी। देखिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल लिख देता हूँ, आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको समझना है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी, डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और फाइनली रिजल्ट क्या होगा, वेव नंबर जो हो जाएगा बच्चों लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है जी। अब चाहे वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो चाहे वो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन हो, दोनों केसेस में वेव नंबर
जब कोई इंटरेक्शन नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, उससे कम पे आएगा। मतलब मान लेते हैं अगर 3600 में, मैं एक आपको बात केवल मानने के लिए कह रहा हूँ, ये वैल्यूज लार्जली डिफर करती हैं, इसलिए अभी आप इन वैल्यूज को एज ए रेफरेंस बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, कब रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो 36 सेंटी इनवर्स में अगर OH की स्टैंडर्ड पीक आती है मान लो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये 31 है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH की पीक देखने को मिलेगी और इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ें लार्जली डिफर करती हैं, लार्जली वेरी करती हैं इसकी वैल्यूज़ को। एक बहुत नटशेल में मैं आपको बात बता देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो ये दोनों इंटर और इंट्रा मॉलिकुलर हमने बोला, जैसे इंटर और इंट्रा, इन दोनों के केस में लोअर तो होती है वैल्यू, मगर एक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो बच्चों ये है कि इंटर मॉलिकुलर के केस में जो पीक आती है, पीक थोड़ी सी ब्रॉड बनती है। कैसी बनती है? ब्रॉड। और इंट्रा के केस में पीक जो है ज़्यादा शार्प बनती है। कैसी बनती है? शार्प। तो शार्पनेस एंड ब्रॉडनेस ऑफ पीक एक मेजर डिफरेंस की तरह देखा जाता है, जो आप एक्सपेरिमेंटली जब इनको कंपेयर करेंगे तो। और एक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और है, जब भी इंट्रा मॉलिकुलर इंट्रैक्शन आएगा उस पे डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। मतलब पीक जितने में आ रही थी उतने में ही आएगी, पर अगर इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शन है तो डाइल्यूशन करने के कारण पीक बढ़ भी सकती है बच्चों और घट भी सकती है। बढ़ने का मतलब होता है अगर आपने इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कम्युनिकेशन को फेल कर देगा, और अगर आपने इसमें पोलर सॉल्वेंट डाल दिया तो वो क्या करेगा, वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और इम्फेसिस दे देगा और एम्पलीफाई कर देगा। तो आपको दोनों केसेस में आपको जो पीक आएगी वो जितनी ऑर्डिनरी केस में आ रही थी उसके अलावा, मतलब उससे कम या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत टेक्निकल पॉइंट है, जो कि आपको आपको रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। बहुत बार IIT जेम वगैरह में यही क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सीधे के सीधे डाल दिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो कि एक डायरेक्ट रीजन है, सेकंड जो रीजन है उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत सीधे से रिलेट करेगा कि उसमें चार्जेस का डिफरेंस कितना है। मेरा कहने का मतलब है अगर मेरे पास दो कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर मान लेते तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स में हम देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन के साथ केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और नाइट्रोजन की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। नाइट्रोजन की जो है कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, और कार्बन की जो है इन दोनों से कम है, इसलिए मैं थोड़ा कम दिखा रहा हूं। तो अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा, इस केस में ये कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा और ये उससे भी कम बनेगा। तो यहाँ पे आप चार्जेस के डिफरेंस से ये देखेंगे कि हाईएस्ट डिफरेंस जो है, हाईएस्ट डिफरेंस यहाँ पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाईएस्ट यहाँ पे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन, और ज़्यादा अट्रैक्शन का मतलब ज़्यादा एनर्जी विल रिक्वायर टू रिमूव देम और टू स्ट्रेच दिस कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इस स्ट्रेचिंग को कब अचीव कर पाओगे? हाईएस्ट वेव नंबर पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो वेव नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है? इस बात को हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो वेव नंबर इंक्रीज। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाएगा। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया तो अलग अलग तरीके के केसेस बताए, इसमें आपको केस जैसी कोई चीज देखने को नहीं आएंगी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें लिखते हैं, उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए ये सारे के सारे बहुत जनरल या प्रिलिमिनरी फिनोमिनाज हैं जो आपको पता चलना चाहिए। रेजोनेंस,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सारी चीज़ें बहुत जनरल और एलिमेंट्री हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आप इसके एलिमेंट्री लेक्चर्स हमारे ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आपको ये नॉर्मल कंसेप्ट नहीं पता तो इसके ऊपर ही सब ये सारे का सारा फंक्शन काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए तो पहले आपको तो पहले पायदान से क्लियर करना पड़ेगा बच्चों, तो इसको ज़रूर हमारे लेक्चर सीरीज़ में ज़रूर कहीं ना कहीं आप देख लेना। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी वेव नंबर में या फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में। आप लोगों को बहुत नटशेल में बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, प्लस और माइनस आई इफेक्ट। आप लोग चाहें तो इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीन तरीके के एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब इस एल्काइल ग्रुप में मान लेते हैं यहाँ पे एक एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक एक्स आ गया और यहाँ पे भी एक एक्स आ गया, तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो पोलर बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन रहा है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन रहा है। मगर नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस कब ज़्यादा होगा इस चीज़ को देखें, तो जितना ये पॉजिटिव होगा ये उतना ही नेगेटिव होगा, इसी तरीके से जितना ये पॉजिटिव होगा ये उतना ही नेगेटिव होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिवनेस को दूर करने के लिए तीन हेल्पिंग हैंड हैं, ठीक है जी। इसमें केवल दो ही हेल्प हैं और इसमें केवल और केवल एक ही हेल्प है, तो यहाँ से ए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा जबकि ये थोड़ा कम डेफिशिएंट होगा, और इस वाले की बात करें तो इसमें डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक ये तीनों के तीनों जो ज्वाइंट ग्रुप हैं ये इसकी डेफिशिएंसी को मेकअप कर लेंगे। तो विद द रिजल्ट ये वाला बॉन्ड सबसे कम पोलराइज्ड होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रखेगा, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण सबसे नज़दीक वेव नंबर में ये आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि इसका सबसे हाईएस्ट वेव नंबर में पीक रिकॉर्ड होगी, तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा इस तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट हमेशा क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट जो है हमेशा क्या करेगा, इसकी स्ट्रेचिंग को लो करेगा या वेव नंबर को लो करेगा, लोअर वेव नंबर पे रिकॉर्ड करेगा पीक को। इंडक्टिव इफेक्ट के मामले में आपने देखा ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद अगला पॉइंट है रेजोनेंस का। रेजोनेंस बच्चों, रेजोनेंस भी आपको पता है, रेजोनेंस जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है या फिर ऐसी जगह देखने को मिलती है जहां अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। और रेजोनेंस में, रेजोनेंस को अगर मोटे मोटे तौर पे हम लोग समझें तो आप लोग जैसे बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेंजीन के अंदर आप देखेंगे तो रेजोनेंस हम तब कहते हैं जब डबल बॉन्ड का करैक्टर ज़्यादा आ जाता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। जैसे आप बेंजीन देखते तो बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड है, मगर ऐसा अनुभव होता है कि सारी जगह वो डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड की कमी नहीं है, है ना। तो रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड का करैक्टर ज़्यादा रहता है। इसका मतलब अगर कहीं पे रेजोनेंस आएगा तो वहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड भी रहेंगे वो भी बिहेव करेंगे पार्शियली डबल बॉन्ड की तरह, और अगर पार्शियली डबल बॉन्ड की तरह कोई सिंगल बॉन्ड बिहेव कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन अब किससे होने लगेगी, डबल बॉन्ड से होने लगेगी। बच्चों, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस का। किसका, डिस्टेंस का। ये वाली जो डिस्टेंस है डबल बॉन्ड की, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, बहुत नज़दीक है डबल बॉन्ड के कारण, और ये थोड़ा दूर है। तो जब नज़दीक आ जाएगी कोई चीज़ें या फिर जो दोनों चार्जेस नज़दीक आ जाएंगे, अब उनको दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो रेजोनेंस हमेशा क्या करेगा, रेजोनेंस के कारण हमेशा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इंक्रीज होगा और उसके कारण वेव नंबर हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बात को लिख देते हैं, रेजोनेंस इंक्रीजेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जो कि इंक्रीजेज वेव नंबर। इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये
एकदम स्ट्रेट चलने वाला फॉर्मूला है। कहीं आपको सिर्फ ये समझ में आ गया या ये भनक लग गई कि इसके कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस टाइप का कैरेक्टर है, तो आप उसमें जो पीक वेव नंबर, जो वेव नंबर अराइज हो रहा है, उसको हमेशा किसी कम से कंपेयर करोगे तो डबल बॉन्ड वाले से कंपेयर करोगे, ना कि सिंगल बॉन्ड वाले से। आपको डबल बॉन्ड वाले या हायर वेव नंबर की तरफ उसको जो है अप्रोच करवानी है। इसके अलावा एक और फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहेंगे स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है जब बल्कियर ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उसमें उसको स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्टेरिक इफेक्ट का जो जो बड़े ग्रुप जब जुड़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ गया किसी कार्बन के अंदर, इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ गया, अब इस कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी आने वाले दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन जो है इस बल्कियर ग्रुप के कारण ओवरशेडो हो जाएगा। मतलब ये OH ग्रुप इससे कम्युनिकेट करे, इससे पहले ये डबल ये जो बल्कियर ग्रुप है ये इसको रिपेल कर लेगा। कहने का मतलब है कि कोई ग्रुप जो कि इसकी तरफ अप्रोच करेगा उसको ये क्या कर लेगा, पहले ही भगा देगा। मतलब अब जो ये कम्युनिकेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो उतनी फैसिलिटेटेड नहीं रहेगी, उतनी सुगम नहीं रहेगी जितनी कि इसकी अनुपस्थिति में, इसकी एब्सेंस में होनी थी। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि स्टेरिक ग्रुप या बल्कियर ग्रुप के आ जाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी समस्याएँ हो जाएंगी, मतलब जो पहले होती भी थी वो भी अब नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वेवलेंथ हायर की तरफ या वेव नंबर हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हायर वेव नंबर, हायर वेव नंबर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसी सीरीज में एक और फैक्टर है बच्चों, उसको बोलेंगे स्पेस इफेक्ट। स्पेस इफेक्ट एक और नाम आता है बच्चों उसके लिए, फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट या स्पेस इफेक्ट का मैं आपको एग्जाम्पल से ही इसका आंसर समझा देता हूं। देखिए यहां पर एक ग्रुप है, देखिए यहां पे मैंने सिस और ट्रांस के दो एग्जांपल ले रखे। इसको ट्रांस कहते हैं बच्चों, इसको सिस कहते हैं, ये बातें आप लोगों को पता है। मैं आपको कह रहा हूं हमें इसकी स्ट्रेचिंग देखनी है। देखिए क्या देखनी है हमें, इस सी एच बॉन्ड की स्ट्रेचिंग देखनी है। अब सी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। अब देखिए कार्बन इस एक्स के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है और उस डेफिशिएंसी के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ का डाइपोल इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यही केस यहाँ पे भी हो रहा है, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ और यहाँ पे इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अगर इसका केस देखूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर और इधर शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों अबव द प्लेन है और यहाँ पे दोनों अपोजिट प्लेन में है। इस केस में देखो बच्चों क्या देखने को मिलेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा और इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन की ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की ओवरक्राउडिंग हो जाने के कारण ये दोनों के दोनों साझा करेंगे कि भैया देखो ऐसा है, हम इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचते, हम रह तो रहे मगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा रहेगा, जबकि इस केस में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन तो इसने खींच लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। अब देखिए कम और ज्यादा दोनों केसेस के कारण क्या हो जाएगा कि इसमें कम इलेक्ट्रॉन होगा तो ये डिफरेंस भी कम होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये वाला डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो इस सिस वाले केस में स्टेरिक इफेक्ट ने क्या रोल प्ले किया, इस सिस के चक्कर में ये वाला स्ट्रेचिंग जो है ये हायर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो गई, हायर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो मैं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि फील्ड इफेक्ट क्या करेगा, हायर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट कर लेगा किसको, पीक, पीक को, क्या हो गया, हायर वेव नंबर इसकी तरफ इसको शिफ्ट कर लेगा। तो बच्चों ये छह फैक्टर सबसे पहले तरीके से आपको मैंने आपको बताने की कोशिश की, इस पे बेस्ड आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो ऑर्थो एंड पैरा
बेंजल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखिए ये ऑर्थो और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ये तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग करेगा, और ये वाला क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर करेगा। अगर मेरे पास ये दोनों कंपाउंड है और मुझे इसको आईआर से डिफरेंशिएट करना है, तो मैं डाइल्यूशन के इफेक्ट से प्रूफ करूंगा कि डाइल्यूशन इस पे तो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मगर इस पे कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और एक बात ये कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पीक जनरली आती है उससे ये बहुत कम वैल्यू पे आ रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है, सी सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच और ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। देखिए एक तो एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन की सी एच स्ट्रेचिंग है, तीनों स्ट्रेचिंग अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी। इनमें से सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच वाला जो स्ट्रेचिंग है इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन इसमें किस स्टेज में है बच्चों, एसपी स्टेज में है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू सबसे कम वहाँ पे s की वैल्यू सबसे ज़्यादा, जहाँ पे s की वैल्यू सबसे ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा वहाँ वेव नंबर सबसे ज़्यादा। तो देखिए कैसे ये रिलेशंस कैसे सेट किए जाते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट का तो जी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, आपको पूछ लिया जाएगा यहां पे एसीटोन बनाया हुआ है और यहां पे CH3CH2CHO, मतलब इसे बोलेंगे प्रोपेनल। तो प्रोपेनल और एसीटोन, प्रोपेनोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे जी यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसकी पीक कम वेव नंबर पे आएगी, जबकि इसकी पीक हाई वेव नंबर पे आएगी। आप चाहो तो इसको चेक करके देख लो, जो आपको कंसेप्ट यहां पे समझाया गया है बिल्कुल आप वही चीज पाएंगे। अगर कंजुगेशन बढ़ा दिया जाए डबल बॉन्ड का तो उससे रेजोनेंस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और रेजोनेंस कैरेक्टर अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या बढ़ जाएगा, हायर वेव नंबर पे उसकी पीक ऑब्जर्व होगी। तो इस तरीके के एग्जांपल्स भी आपको आ सकते हैं कि आपने एक डबल बॉन्ड बढ़ाया तो आपकी पीक कहाँ पे किस तरीके से शिफ्ट होगी। स्टेरिक इफेक्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है बच्चों, इन एग्जाम ये बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल और देखने को मिलती है, लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये बहुत बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक OH और एक OD, इन दोनों में से दोनों की पीक कहाँ कहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पे आएगी का मतलब है कि कौन हायर वेव नंबर पे पीक देगा, कौन लोअर वेव नंबर पे पीक देगा, या फिर एक पीक का सेट दिया हुआ रहेगा। इन दोनों से पूछा जाएगा कि कौन से वाले की पीक कहाँ पे आएगी, या इसकी पीक ज़्यादा है या इसकी पीक ज़्यादा है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए भी बच्चों आप लोगों को सिंपली एक कंसेप्ट मैंने आपको जो बताया था कि म्यू की वैल्यू जो है वो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। रिड्यूस मास जो है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर आप यही वैल्यू निकालने की कोशिश कर लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे O तो सेम है मगर यहाँ पे H1 है जबकि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे D की वैल्यू 2 है। तो M1 M2 की वैल्यू इसके कारण बहुत डिफरेंट हो जाएगी इसके कारण से, और म्यू की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी वो वैल्यू कम वेव नंबर पे देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से चाहेंगे तो इसके लिए म्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू निकाल दें, और म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यू को कंपेयर करके वी पे लगा करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम है। और आप देखेंगे कि म्यू की वैल्यू ओडी के केस में 3100 आती है, और इसके केस में जो वेव नंबर है वो 3600 सेंटीमीटर इन्वर्स आता है। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आप इसके काफ़ी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, तब जाकर के आपको ये फैक्टर्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। फिलहाल ये 6 फैक्टर यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, मगर इन 6 फैक्टर के अंदर भी बहुत सारे सब फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने लास्ट के जो दो बेसिकली बताए हैं, इसमें कभी कभी स्पेस इफेक्ट वेव नंबर को बढ़ाने की जगह कम भी कर सकता है, तो वहाँ पर कॉन्फॉर्मर्स की जानकारी लेनी या स्टीरियो केमिस्ट्री की जानकारी लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तब समझ में आता है कि अच्छा इसके ऐसे होने के कारण ये वेव नंबर फिलहाल लोअर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों।